Environment and Forest Minister Prakash Javadekar inaugurated a toy bank at a municipal school in South Delhi this morning. Speaking on the occasion, the minister lauded the toy bank to be beneficial for the students as it will make learning fun and bring joy to the children studying in the school. कि मुझे लगता था केवल दिल्ली शहर में खिलौने इकट्ठा करते हैं और बच्चों को खेलने के लिए देते हैं लेकिन जब आप मैंने सुना और देखा कि देश भर में 5000 जगह इस तरह के टॉय बैंक प्रस्तावित किए हैं मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि ये सही काम है अब दुनिया बदल गई बहुत अच्छे अच्छे खिलौने आए और अच्छे खिलौने आए लेकिन उसकी कीमतें भी बढ़ी तो वो जो मैं नहीं उपयोग कर रहा हूं वो किसी दूसरे के काम आए ये देने का भाव और वही भाव एक सामाजिक भाव पैदा करता है इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता मुझे आज यहाँ दक्षिण दिल्ली नगर निगम के स्कूल में टॉय बैंक के कार्यक्रम में आने पर बहुत खुशी हुई विद्युन गोयल उनको जिस पैशन से वो काम कर रही है और उनके साथी मुझे लगा टॉय बैंक एक जगह ही होगी लेकिन ये देश भर में 5000 जगह टॉय बैंक की व्यवस्था है स्कूलों में आंगनवाड़ियों में और बाकी जगह बच्चों को खेलने के लिए जिनके पास खिलौने हैं और वो खिलौने अब उनके बच्चों की उम्र बढ़ गई है तो वो खेले नहीं जाते ऐसे सभी खिलौने इनके वॉलंटियर्स टॉय बैंक के वॉलंटियर्स कलेक्ट करते हैं उसको ढंग से यूज करने जैसा बनाते भी हैं और वो करके देश भर में भेजते हैं और सभी प्रकार के खेल उस उम्र के एज अप्रोप्रिएट खेल को मिले ये जरूरी है और इसलिए ये बहुत नेक काम कर रहे हैं जो कंपनियां इनको मदद कर रही है जो वॉलेंटियर्स उसमें शामिल हुए हैं उन सबको भी मैं बधाई देता हूं क्योंकि समाज ही अपना काम करे ये जरूरी है हमने शिक्षा में अब एक समग्र शिक्षा नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हर स्कूल में 10 लाख सरकारी स्कूलों में खेलने के लिए खेल के साधन लेने के लिए और वो ग्राउंड पर जो खेलते हैं वो है मुख्यतः उसके लिए 5000 से 20000 रुपये हर साल देने की योजना बनाई है पैसे देना प्रारंभ भी किया है तो विद्युत जी और उनके साथियों को मैं कहूँगा कि आपके 5000 सेंटर के आसपास सभी स्कूलों में वो पहुंचा है कि नहीं पैसा और खेल के साधन लिए है कि नहीं ये भी देखिए समाज की निगरानी बहुत जरूरी होती है नए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी से मैं इसके संबंध में बात भी करूंगा और मैं मानता हूं कि देने की आदत लगना सीखने की सुविधा होना अपने कॉग्निटिव स्किल्स और मेंटल स्किल्स खेलने में सामुदायिक भावना तैयार होती है और वही मुख्य है और इसलिए आज के कार्यक्रम में आकर छोटा सही लेकिन बहुत बड़ा एक तरह से कार्यक्रम ये था इसका महत्व बहुत है और मुझे बहुत खुशी है सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।